हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु पाठक आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सिलेबस से रिलेटेड होगा। चाहे हम किसी भी नर्सिंग एग्जाम को, किसी भी नर्सिंग एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, लेकिन हम एक साथ सारे ही सिलेबस को, पूरे नर्सिंग के सिलेबस को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा होगा। पूरे सिलेबस को डिस्कस करना बहुत टाइम लगेगा और वीडियो हम शॉर्ट में तो नहीं देख सकते। इसीलिए आज के वीडियो में हम ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, उसमें अगर आप आज ये पूरा वीडियो देखते हो, पूरा सिलेबस देखते हो, तो ओबीजी के अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के अंदर आप सारे टॉपिक्स को कवर करके जाओगे और आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा है मेंसुरेशन साइकिल एंड मेंसुरेशन साइकिल डिसऑर्डर्स, मीनोपॉज। और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इन कंपैरिजन टू द ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हमें टॉपिक्स पता होना चाहिए। हम करके सारे ही जाएंगे, क्या पता गायनी से ज्यादा क्वेश्चन कभी आ जाए, कभी ऑप से, लेकिन गायनी का वेटेज हमेशा ऑप से कम होता है। मीनोपॉज मैंने बताया, मेंसुरेशन साइकिल डिसऑर्डर्स है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, एम्स में भी इससे क्वेश्चन आया है। पीएमएस है, पीएमएस क्या है, प्री मेंसुरल सिंड्रोम। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। डीयूबी डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, या कार्सिनोमा सर्विक्स है, ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडीनोमायोसिस है, मायोमा, फाइब्रोमा, यूटराइन प्रोलैप्स, सिस्टोसील, रेक्टोसील, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं गायनी का क्वेश्चन। ये पूरा सिलेबस किसका है, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ये कंप्लीट करके जाते हैं आपका। इसमें से कोई आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, और ये नर्सिंग का सिलेबस है, इससे ज्यादा नर्सिंग में अभी तक के एग्जाम में तो नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मीन्स आपको जो टॉपिक पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, द बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, और इन सब की एबनॉर्मैलिटी क्या होती है। अगर हम प्लेसेंटा में बात करें, प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटी, जैसे सक्शन चुरेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बिलोबाटा पढ़ते हैं, वासा प्रीविया पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है, इस तरह की जो एबनॉर्मैलिटी है, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मैलिटी, उसमें हम पढ़ेंगे अगर कलर एमनियोटिक फ्लूइड का रेड कलर हो जाए, ठीक है, ग्रीन कलर हो जाए, तो इससे इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रामनियोज, ओलिगोहाइड्रामनियोज करके क्वेश्चन आ सकता है। फीटस एंड फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी रिसेंट एम्स दिल्ली के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे और कौन कौन से साइन देखने को मिलता है, जितने भी साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है मेटर्नल पेल्विस एंड फीटल स्कल, फीटल जो स्कल है इसके डायमीटर्स आते हैं, पेल्विस, पेल्विस का डायमीटर आएगा, पेल्विस का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको करना है। इसके अलावा प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आता है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का कैसे करेंगे, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलविंग, फीटल वेलविंग को हम कैसे असेस करेंगे, जितने भी टेस्ट हैं
ये आपका टॉपिक जब भी मैं इस पे वीडियो करूंगी तो आपको देखना है कि असेसमेंट ऑफ फीटल वेलविंग हम कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जाम में आया हुआ एनएसटी कैसे होता है, सीएसटी हम कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, किक काउंटिंग करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं, फर्न टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो एक तो ये टेस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नेक्स्ट है एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट एंड माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी, ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। फीटस इन यूट्रस एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, फीटस इन यूट्रस से मतलब है जब यूट्रस में बेबी होता है, फीटस होता है, वो किस लाइव में होता है, किस एटीट्यूड में होता है, पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम में भी आया हुआ है, आपको याद रखना है। और जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, इस टॉपिक से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इसीलिए प्लीज आप इसको सुन लो, लिख लो चाहे तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रीप, एम्स का इंपॉर्टेंट वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन, लियोपॉड मैन्यूवर जिसे हम बोलते हैं, हर बार डायग्राम के फॉर्म में थियोरेटिकल क्लिनिकल क्वेश्चंस बना के वो देता है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रीप के 4 ग्रीप हैं, उसका डायग्राम्स अच्छे से करना है और ये आपको देखना है, ठीक है। लेबर, लेबर में आपका क्या है, जो लेबर है, स्टेजेस क्या है, इवेंट्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, पार्टोग्राफ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाना है ऑप्स एंड गाइनी में। प्रीपीरियम एंड एबनॉर्मैलिटीज क्या होती हैं, ये करके जाना है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये कुछ सेलेक्टेड है, करने को बहुत सारा है, तभी हम पूरा करके जा सकते हैं, लेकिन हमें कॉम्पिटिशन क्लियर करना है, एग्जाम फाइट करना है, हमें बुक नहीं लिखनी है, इसीलिए सेलेक्टेड टॉपिक करके जाना है जो मैं बता रही हूँ। अगर आप इतना करके जा रहे हो तो आपका ऑप्स गाइनी का तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीटर्म प्रेगनेंसी, PROM, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, APH, एंटीपार्टम हैमरेज, PPH, पोस्टपार्टम हैमरेज, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, माल प्रेजेंटेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, हाइडेटिफॉर्म मोल, कोरियन कार्सिनोमा हम बोलते हैं, ठीक है, एबॉर्शन है, इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है, लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, मेलाइटस, एनीमिया, हार्ट डिजीज, ये सब करना है। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में हो रहा है तो क्या, ये सारे टॉपिक करने। इन्फेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक टॉर्च, STORCH करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक्स मैंने बोला ये सब आपको कंप्लीट करके जाना है। और नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स, लाइक एपिजियोटमी, फोर्सेप्स, वीनिटॉस, सिजेरियन सेक्शन एंड ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लास्ट वन ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकेशंस, ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकेशंस भी आपको करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इर्गो डेरिवेटिव्स, इर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन क्या होता है, क्या रोल है, एक्शन है, कहाँ पे यूज करना है, कितना mg यूज करना है, सब आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन, इसका यूज पता होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन का क्या यूज है ये आपको पता होना चाहिए। MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इसका क्या यूज होता है, क्या एक्शन है, कहाँ पे यूज करते हैं, कितना mg यूज, मतलब सारे ही ये सब मेडिकेशन से रिलेटेड सब आपको करके जाना है। तो जितना मैंने आपको अभी बताया है ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, कंप्लीट करके जाना है। तो यस, आप ऑप्स गाइन में कह सकते हो आपने फुल सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, और चाहे किसी भी नर्सिंग एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे हिसाब से आपको पूरा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का सिलेबस इस शॉर्ट वीडियो में पता चल गया होगा। So, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my video.